आप सबको नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि नया साल आपके लिए खूब सारी खुशियां लेके आए, आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज़ छलांगे मार रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं, 6360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। 29 दिसंबर को 2000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से, 262 टोटल सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले ये सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कमी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्प्टोमेटिक केसेस है। मैं दोबारा बता दूं, 29 दिसंबर को 2000 केस थे पूरी दिल्ली में कोरोना के, उस वक्त 262 बेड भरे हुए थे, और 1 जनवरी को 6360 केस थे, 3 गुना केस हो गए थे और 247 बेड भरे हुए थे। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की दिल्ली में। आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी, उस टाइम का मैं डेटा आउट निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6300 हैं। मार्च में, 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6300 हैं, उस टाइम 6600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब उस इतने ही जब एक्टिव केसेस थे दिल्ली में 1150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले, आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं।
उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी, आज कभी एक हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी एक हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो करोना है वो इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस, आज डेली केसेस लगभग 2700, कल डेली केसेस थे, कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड है। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। नमस्कार।